अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कंप्यूटर या लैपटॉप पर व्हाट्सएप कैसे यूज़ करते हैं। दोस्तों, लैपटॉप पर हम दो तरह से व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, लैपटॉप या कंप्यूटर पर व्हाट्सएप यूज़ करने का पहला तरीका यह है कि आप अपने वेब ब्राउज़र को ओपन करें और web.whatsapp.com सर्च करें, तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने अपने मोबाइल में व्हाट्सएप को ओपन करना है। अब यहाँ आपको तीन डॉट वाला एक आइकन दिखाई देगा, इस आइकन पर क्लिक करें और यहाँ से व्हाट्सएप वेब पर क्लिक करें। जैसे ही आप व्हाट्सएप वेब पर क्लिक करेंगे तो आपने अपने लैपटॉप पर मौजूद QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन कर लेना है। जैसे ही आप QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपका व्हाट्सएप लैपटॉप में लॉगिन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। जैसे ही आप अपने मोबाइल का डाटा ऑफ कर देंगे तो लैपटॉप से भी व्हाट्सएप डिस्कनेक्ट हो जाएगा। लैपटॉप पर व्हाट्सएप यूज़ करने का जो दूसरा तरीका है, इससे आपको अपने मोबाइल से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, अब मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। आपने ब्लू स्टैक को इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों, आप सबसे पहले गूगल पे जाके ब्लू स्टैक सर्च करें और ब्लू स्टैक को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। ब्लू स्टैक को डाउनलोड करने के लिए आपने सिंपल गूगल में जाकर टाइप करना है डाउनलोड ब्लू स्टैक। ब्लू स्टैक को इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करें तो ये पहली मर्तबा ओपन होने में 2 से 3 मिनट लेगा। जब ब्लू स्टैक ओपन हो जाए तो आपने इसमें अपना कोई भी गूगल अकाउंट ऐड कर लेना है। अब स्टार्ट यूजिंग ब्लू स्टैक पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आप प्ले स्टोर का आइकन देख सकते हैं। आपने प्ले स्टोर पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है और यहाँ से आप व्हाट्सएप सर्च करके व्हाट्सएप इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर से आप कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन को अपने लैपटॉप में इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।